छाप तिलक तब जीने मौत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू हजार साला। ना हम लोगों को ना पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर चर्चा हो रही है। हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। काफी अटकलें तो आप लोग पैदा करते हैं और अटकलों को आप लोग मार भी देते हैं। एक आदमी बोलिएगा तब जो 29 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक होनी है उसमें क्या कुछ उलटफेर भी होगा आपकी पार्टी के भीतर? 29 तारीख को जो न सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक हो रही है। दोनों फर्स्ट हाफ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और द्वितीय पाली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। और आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसके बैठक का आयोजन पिछले काफी दिनों से लंबित चला रहा था, मतलब ड्यू हो गया था, इसलिए भी ये आयोजन करने का फैसला किया गया है। और दूसरी बात जो आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके साल भर बाद विधानसभा का चुनाव होगा, तो आखिर दो दो चुनाव सामने हैं और लोकसभा का चुनाव तो समझिए बिल्कुल सामने आ गया। तो उस परिस्थिति में जनता दल यू की तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक लाजमी है कि उन चुनावों में हमें हमारी क्या रणनीति होगी, या हमारे जितने वर्कर या अलग अलग प्रदेशों से भी जो हमारे पार्टी के अधिकारीगण आएंगे वो किन मुद्दों पर आगे बात करना चाहते हैं, कैसे बात बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इंडी गठबंधन जो है, जो इंडी अलायंस है, इसमें भी अनेक पार्टियां हैं, चुनाव सामने है, सीटों के बंटवारे पे बात होनी है, तो इन सब मुद्दों पर तो पार्टी के अंदरूनी फोरम में या हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसमें बैठक करके इन मुद्दों पर विचार करना लाजमी है, ये होना ही चाहिए और ये हो रहा है, इसी के लिए बैठक निर्धारित है। अजय चौधरी जी, सुशील मोदी इस्तीफे की बात चल रही है उस पर कोई सच्चाई नहीं है क्या? इस्तीफे की जो बात चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उस पर कौन बात चला रहा है? कौन बात चला रहा है? खबर ऐसी खबर चल रही है। फिर खबर तो आप पैदा करते हैं, खबर आप मार देते हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि लालू जी से सुशील मोदी ललन सिंह की नजदीकी लालू से ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए नीतीश कुमार की नाराजगी है। सुशील मोदी जी जदयू की बात इसलिए करते हैं कि उनको अपने दल में कोई नहीं पूछता है। आप किसी इतने बड़े बड़े नेता भाजपा के आते रहते हैं, भाजपा में इतनी गतिविधियां चलती हैं, इतनी बैठकें होती है, कहीं आपने उनकी कोई उपस्थिति देखी है? तो सवाल है कि जब अपने लोग नहीं पूछते हैं, छोड़ देते हैं, तो आदमी का मन, दिमाग, विचार ये सब भटकते रहता है चारों तरफ, तो वही उनका विचार भटक रहा है। जदयू में अंदरूनी खाई बढ़ गई है क्या? जदयू में अंदरूनी कोई खाई की तो बात छोड़ दीजिए, कोई खरोंच के निशान भी नहीं है, तो बढ़ने घटने का कहां सवाल? तो फिर ये चर्चा कैसे आती है कि लालू? चर्चा आप लोग पैदा करते हैं।
अगर अगर ये खबर सच होती है तो क्या जदयू के पास, अगर ये खबर सच है तो क्या ये आप जदयू को अगर 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 मगर में न सवाल होता है और न अगर मगर में जवाब होता है। सर आप जल्द ये कह रहे हैं कि कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, कौन आपके हिसाब से कोई इस्तीफा? हम जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, आप चाह कर भी अपनी बात हमसे नहीं बोलवा सकते, समझ गए ना? हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं और वही समझिए। अच्छा किन आप जो चाहते हैं वो बोलने के लिए हम थोड़े यहाँ बैठे हैं, हम तो जो सच्चाई है वो बोलने के लिए बैठे हैं। विजय जी आखिर किन परिस्थितियों में जो सभा होने वाली थी अति पिछड़ा का या रामगढ़ में जो सभा है वो कैंसिल करने का? अभी सभा कैंसिल करने करने का कहाँ बात है, पार्टी जब सोचती है और कर्पूरी ये समझ लीजिए कि कर्पूरी जी की जयंती का कार्यक्रम हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बनाने मनाने की शुरुआत की है जी। और उस दिन सबसे अधिक उनके प्रति श्रद्धांजलि हम लोगों का दल और हमारे नेता ही समर्पित करते हैं। हम लोग उनके गांव जाते हैं पितौजिया में, यहाँ पार्टी के तरफ से कार्यक्रम होता है और इस बार भी हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम होने का ये निर्णय लिया गया है। ये तो और अच्छी बात है, पूरे बिहार में कार्यक्रम नियोजित शिक्षकों को वैसे देख रहे हैं क्या निषेध? हम लोग तो अब ये कैबिनेट से पास करके हम लोग दोनों आदमी आए हैं और सही देख रहे हैं, इसको सही मान रहे हैं, तब ना हम लोग सीट शेयरिंग होना है। सर महागठबंधन में सीट शेयरिंग होना है, ये बात कब तक तय हो जाएगी कि आप लोग में आपसे सब कुछ ठीक है? ये आप लोग कम से कम मीडिया के लोग इत्मीनान रहिए कि हम लोग इसको सौ समय जो भी उचित समय होगा उससे पहले तय करेंगे। ठीक है सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, दरोगा को गोली मार दी जा रही है। हो जियो हो बिहार के लाला, अरे जियो तू हजार साला, जियो तू भोर बमाला, जियो तू हजार साला, जियो तू हजार तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहां हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।